हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वर्टिकल फार्मिंग। तो हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे, ये वर्टिकल फार्मिंग है क्या, हम लोग को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। देखा जाए तो एग्रीकल्चर हमारा अच्छा चल रहा है, हम लोग अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्टिविटी भी बहुत सही है, हम लोग दूसरे देश को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, हमारे जो लोग हैं उनको फूड ग्रेन प्रॉपरली जो है वो मिल भी रहा है, मतलब सफिशियंट है जितना हमारा पॉपुलेशन है। तो वर्टिकल फार्मिंग का ज़रूरत है क्या, ये वर्टिकल फार्मिंग क्यों क्यों हम लोग इसकी ओर देखा जा रहा है कि ये फ्यूचर है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का और आगे बहुत ही बेनिफिशियल एक रोल प्ले करेगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है वर्टिकल फार्मिंग, यहाँ पर क्या होता है, एक वर्टिकल लेयर में जो है प्लांट्स को वो ग्रो किया जाता है, मतलब एक आपका इन्वायरमेंट बनाया जाता है। इन सब के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वर्टिकल फार्मिंग का ज़रूरत पड़ा क्यों, ये जो वर्टिकल फार्मिंग है आज मतलब क्यों नीड बनता जा रहा है, आप देखेंगे या डिस्कस किया जाता है कि वर्टिकल फार्मिंग बहुत ही ज़रूरी है, तो ये क्यों। तो आपको पता होगा ज़्यादातर, देखिए जो हम लोग का प्रोडक्शन होता है वो रूरल एरिया मतलब गांव की तरफ होता है, आप ये भी देखेंगे जो हमारा अर्बन पॉपुलेशन है वो बहुत रैपिडली बढ़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। अब धीरे धीरे फार्मिंग जो है वो आप देखेंगे अर्बन एरिया से दूर होता जा रहा है और मेनली जो एक है रूरल एरिया में सिमट के रह जा रहा है। तो देखिए पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, हम लोग का जो डिमांड है फ्यूचर में वो भी बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग जो रूरल एरिया में हैं वहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे और हर जगह खिलाएंगे, तो अब ज़रूरत है कि जो हम लोग अर्बन एरिया में हैं वहाँ भी हम लोग प्रोडक्शन स्टार्ट करें। तो वर्टिकल फार्मिंग उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम लोग प्रोडक्शन अर्बन एरियाज़ में भी कर सकते हैं। अब अर्बन एरियाज़ में कैसे प्रोडक्शन करेंगे, इसका वर्टिकल वर्टिकल फार्मिंग को कैसे अप्लाई करेंगे, इन सब बातों पे हम लोग आगे अभी डिस्कशन करेंगे। हम लोग समझेंगे ये जो वर्टिकल फार्मिंग है, मॉडर्न वर्टिकल फार्मिंग, उसका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोफेसर डिक्सन जो है वो पब्लिक एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ कोलम्बिया में है, उनमें प्रोफेसर है वो। तो उन्होंने ये मतलब चैलेंज दिया स्टूडेंट्स को, एक आइडिया सोचा कि क्या जो 30 स्टोरीज बिल्डिंग है, बड़े बड़े स्क्रायक्रैपर्स हैं, स्क्रायक्रैपर्स स्क्रायक्रैपर्स क्या होता है, अब ऊँचे ऊँचे जो बिल्डिंग होती है, तो क्या हम लोग उस पर वर्टिकल फार्म मतलब फूड जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं और 50,000 पीपल को खिला सकते हैं, ऐसा उनका ये आइडिया था। तो ये जो प्रोफेसर का फॉर्म मतलब ये जो आइडिया था मतलब उस वक्त बना नहीं, लेकिन ये जो है बहुत सारे आइडिया का यहाँ होता है ना स्टार्टिंग, एक यहाँ से बहुत लोग प्रोत्साहित हुए और अलग अलग जगह पे यहाँ पे शुरू हो गया कि ठीक है वर्टिकल फार्मिंग ऐसा हम लोग ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक स्काई क्रैपर पे ही मतलब यहाँ पे स्टार्ट हुआ था कि जो ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग है उस पर हम लोग ट्राई करेंगे। तो आगे हम लोग यही देखेंगे कि किस किस टाइप का आपका वर्टिकल फार्मिंग में क्या क्या होता है, कैसे सारे इन सब बातों को समझेंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं वर्टिकल फार्मिंग का। वर्टिकल फार्मिंग इज एन एग्रीकल्चरल मेथड थ्रू विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन वर्टिकली स्टैक्ड लेयर्स, मतलब एक एग्रीकल्चर का मेथड है जिसके द्वारा क्रॉप को है वर्टिकली आप देखेंगे स्टैक लेयर मतलब एक के ऊपर एक इस तरह लेयर के द्वारा आपको क्रॉप प्रोड्यूस किया जाता है। इट इज़ डन इन अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट यूजिंग टेक्निक्स, जो एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में है टेक्निक को यूज किया जाता है। कौन कौन सा टेक्निक, हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, एरोपोनिक्स। अब ये हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, एरोपोनिक्स क्या होता है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है आपने ये बोला कि जो प्रोफेसर है उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि एक 30 स्टोरी बिल्डिंग पे हम लोग ये कर सकते हैं, तो और हम लोग ये कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो देखिए ये वर्टिकल फार्म जो है वो बिल्डिंग्स में, आप अर्बन एरिया के लिए मेन ये बनाया गया, तो अर्बन एरिया में आप देखेंगे ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स होते हैं, तो हम लोग जो है बिल्डिंग में कर सकते हैं। मान लीजिए कोई शिपिंग यार्ड हो गया, शिपिंग कंटेनर हो गया जो बहुत पुराना पड़ा हुआ है, उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आप देखेंगे बहुत बहुत अंडरग्राउंड टनल्स हो गए, ये हो गए, तो ये सब जगह पे भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए हम लोग जो इन्वायरमेंट है वो खुद तैयार करते हैं, हम लोग लाइट एलईडी वगैरह से लाइट प्रोवाइड करवाते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो हम लोग को ऐसा नहीं है कि सब कुछ ओपन में होना चाहिए सनलाइट के साथ, क्योंकि हम लोग यहाँ आर्टिफिशियली जो है सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं। देखिए ये नीड भी है क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन रैपिडली ग्रोथ कर रहा है और सिर्फ हम लोग जो अभी फार्मिंग कर रहे हैं, देखिए क्या फार्मिंग दो मेथड से हो रहा है, या तो आप ट्रेडिशनल मेथड से करें ऑर्गेनिक फार्मिंग, या फिर आप पूरा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड सब कुछ यूज करके आप ग्रोथ ग्रोथ मतलब प्रोडक्टिविटी है बहुत ज़्यादा बढ़ा लो।
देखो अब दोनों में क्या है, यहाँ पे अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो स्टार्टिंग में तो आपका यील्ड थोड़ा कम रहेगा, आप तुरंत से अचानक से बूम प्रोडक्शन वैसा कुछ होने वाला है नहीं। स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक में स्लो रहता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। उसके बाद अगर आप फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड आप ये भी देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो हम लोग का जो इन्वायरमेंट है इस पर बैडली बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है ये पेस्टिसाइड वगैरह। तो इससे हो क्या रहा है कि देखिए दोनों जा रहा है, अगर ऑर्गेनिक पे हम लोग जाएंगे तो सेफ है लेकिन उतना डिमांड फुलफिल नहीं कर पाएगा। अगर पेस्टिसाइड पे अभी के लिए डिमांड तो वो फुलफिल कर देगा शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन अगर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर देखें तो वो भी सही नहीं है। उस तरफ से अगर आप ये वर्टिकल फार्मिंग देखें तो ये बहुत सही है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको पेस्टिसाइड वगैरह का ज़्यादा नीड नहीं होता है। तो आप बोलेंगे पेस्टिसाइड वगैरह का नीड नहीं है कैसे, तो फिर हम लोग ये फार्मिंग करेंगे कैसे? तो इस पर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो अब हम लोग समझते हैं जो ये हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स और ये जो एक्वापोनिक्स है क्या और कैसे ये हेल्पफुल है वर्टिकल फार्मिंग का, कैसे ये सब आपका जो है टाइप्स है, टेक्निक है ये सब। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्टिकल फार्मिंग में जो पहला टेक्निक है वो हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स का क्या बोलता है, इट इज़ अ मेथड ऑफ ग्रोइंग फूड इन वाटर यूजिंग मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन विदाउट सॉइल। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप पिक देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या है वाटर जो है उसमें जो जो न्यूट्रिएंट एक प्लांट का ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड रहता है वो न्यूट्रिएंट हम लोग वाटर में वहाँ पे प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक ना। इसमें क्या होता है सॉयल रहेगा नहीं, अगर सॉयल नहीं रहेगा तो आप देखिए सॉयल बॉर्न ज़्यादातर जो डिजीज होते हैं सॉयल बॉर्न होते हैं, पेस्ट डिजीज वगैरह, डिजीज सॉयल बॉर्न होते हैं, पेस्ट वगैरह वो सब अटैक करेंगे नहीं, क्योंकि अगर सॉयल ही नहीं रहेगा तो डिजीज़ कहाँ से आएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए एक तो डिजीज़ का प्रॉब्लम खत्म हो गया, सॉयल वगैरह में कुछ वैसा कंटामिनेशन आएगा नहीं क्योंकि सॉयल है ही नहीं, यहाँ पे आप वाटर है और जो जो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है वो सारा न्यूट्रिएंट हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं इसमें हाइड्रोपोनिक्स में। तो इससे क्या होगा, बहुत ही आसान तरीका है। और आप देखिए कहीं भी कोई बिल्डिंग हो गया, अगर आपका देखिए कॉरिडोर हो गया या कहीं भी आप जो स्पेस वैसा देखें अर्बन एरियाज में वहाँ पे ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मेथड है एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स क्या है, इन एरोपोनिक्स देयर इज़ नो ग्रोइंग मीडियम एंड हेंस नो कंटेनर्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इन एरोपोनिक्स। मतलब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं होता है। आप बोलेंगे अगर मीडियम एरोपोनिक्स, आप समझ रहे हो एयर में, मतलब एरोपोनिक्स का कोई मीडियम ही नहीं होता है तो फिर ये जो क्रॉप है वो ग्रो होगा कैसे। यहाँ पे क्या होता है ना, देखिए मिस्ट फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट होता है, जो जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट होता है प्लांट के लिए ग्रोथ करने के लिए, उसको हम लोग स्प्रे करते हैं। तो जो सॉल्यूशन बना के स्प्रे करते हैं तो जो आपका प्लांट का है उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई सा भी सॉयल यूज नहीं किया जा रहा है, वैसा कोई लार्ज इरिगेशन मेथड यूज नहीं किया जा रहा है। तो आप देखिए कितना एग्रीकल्चर जो है कितना यहाँ पे नीट एंड क्लीन चल रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। सॉयल नहीं है तो इंसेक्ट डिजीज़ का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपका फूड का प्योरिटी है वो भी बहुत अच्छे से मेंटेन है, हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट न्यूट्रिएंट अप्लाई कर रहे हैं। तो ये एरोपोनिक्स में ये मतलब होता है। अब ये देखिए जो द इन्वेंशन ऑफ एरोपोनिक्स है ये मोटिवेट कहाँ हुआ था, तो नासा से। इन्होंने नासा ने ये सोचा था कि ऐसा हम लोग प्लांट जो है स्पेस में ग्रो करें, क्योंकि स्पेस में देखिए सॉयल तो आप यहाँ से ले जा नहीं सकते और वहाँ का सॉयल का कंडीशन क्या होगा ये नहीं पता था। तो इन्होंने ये जो है आपका जो है सॉयल को बिना सॉयल लेस जो है सिर्फ ग्रो करने का सोचा। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, तीसरा जो है वो है एक्वापोनिक्स। तो ये देखिए एक्वा मतलब आप समझ रहे हैं एक्वा कल्चर, एक्वा कल्चर मतलब क्या होता है, मछली मछली पालन जो होता है वो भी एक्वा कल्चर होता है। और पोनिक्स मतलब यहाँ पे सॉयल का आपका जो हो गया ये, मतलब इसमें क्या होगा कि हम लोग मत्स्य पालन मतलब फिशरी को भी इसमें प्रोड्यूस करेंगे और आपका जो क्रॉप है क्रॉप भी लगाएंगे। तो इसमें बोले आप ये कैसे हो गया, तो यहाँ आप एक फोटो देख रहे हैं ऊपर जो है क्रॉप है वो कर रहे हैं, क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक स्लाइटली एडवांस्ड मेथड दैट हाइड्रोपोनिक्स एक्वापोनिक्स इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स विद दैट ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इन ए क्लोज लूप सिस्टम रिजेम्बलिंग नेचर इटसेल्फ। इसमें क्या हो रहा है, देखिए फिश वगैरह जो है जो आपका उसका आप देखेंगे वेस्ट होगा, यूरिन हो गया, वो जो फिश वगैरह का यूरिन है उसको हम लोग क्या करते हैं क्रॉप में यूज़ करते हैं, क्रॉप में यूज करते हैं। आप देखिए उससे आपका जो है आपका न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिल जाता है, फिर वही पानी को हम लोग रिसाइकल करके वापस क्या करते हैं फिश के लिए हम लोग जो एक्वा कल्चर है उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ये देखिए एक दोनों का मतलब वो चल रहा है कि ठीक है पहले ये यूज किया इसका यूजफुल इसमें आया, मतलब एक साइकिल बन रहा है कि जो क्रॉप का जो
यूज है, कहाँ से उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, वाटर से, एक्वा से, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मछली जहाँ से जिसमें रह रही है एक्वा कल्चर से, और उसके बाद उसमें से न्यूट्रिएंट है वापस ये सॉयल में आ जा रहा है आपका एक्वा कल्चर से। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है एक तरफ से देखा जाए तो, कि एक दूसरे के हेल्प से हो रहा है। तो यहाँ पे आप गंदगी भी ज़्यादा नहीं देखेंगे और ज़्यादा फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज़ भी नहीं होगा, लार्ज स्केल पे सॉयल भी यूज़ नहीं हो रहा है, ये पानी से हो जा रहा है। यहाँ पे आप एक दूसरा फोटो देखिए, ऊपर जो है सॉयल ग्रोन हो रहा है और नीचे आपका मछली है, मछली आप देख सकते हैं पानी है। अब यही पानी क्या होता है, रिसाइकल होता है, जाता है इसमें और मछली का जो वेस्ट वगैरह है वो वापस सॉयल में हम लोग यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे के हेल्प से मतलब अच्छे से ग्रोथ होता है। अब हम लोग जो है एडवांटेज देखेंगे वर्टिकल फार्मिंग का। वर्टिकल फार्मिंग का एडवांटेज है क्या? तो देखिए, वर्टिकल फार्मिंग है सेवरल एडवांटेज विच मेक्स इट प्रॉमिसिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर। द लैंड रिक्वायरमेंट इज क्वाइट लो। इसमें आप देखिए लैंड रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा कम है। आप सोच रहे हैं आप एक बिल्डिंग में हैं, आप एक छत पे अपने छत के ऊपर आप इसको ग्रो कर सकते हैं। अगर कोई आपका खाली कॉरिडोर है बाहर रूम के, उस पे वहाँ पे आप ग्रो कर सकते हैं। वाटर कंजम्पशन मतलब 80% कम है, आप सोच सकते हैं आने वाला टाइम में। आप खुद देखते होंगे अगर किसान बहुत, आप न्यूज़ सुनते होंगे किसान अपना उसका सारा फसल बर्बाद हो गया, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, बहुत जगह आप देखेंगे किसान ने सुसाइड कर लिया, क्यों? सूखा पड़ गया। यहाँ पे पानी का आपको ज़रूरत ही नहीं है। और आपको पता है आने वाले सालों में पानी का क्राइसिस होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस होगा। तो ऐसे में हम लोग एग्रीकल्चर को अभी जिस तरह प्रेजेंट में आप देखे होंगे किसान पूरा फ्लड इरीगेशन करते हैं। फ्लड इरीगेशन क्या मतलब होता है, एक प्लॉट है खेत का, उसमें आप कोई भी क्रॉप लगाए हुए हैं, तो फ्लड इरीगेशन क्या होता है, ट्यूबवेल लाएँ या फिर कैनाल से पूरा पानी पूरा फील्ड में भर दिए। लेकिन देखा जाए तो सारा क्रॉप को पानी रिक्वायरमेंट कुछ एक अमाउंट में होता है कि इस क्रॉप को इतना पानी रिक्वायर्ड चाहिए, लेकिन हम लोग पूरा फील्ड फ्लडेड कर देते हैं। तो देखिए कितना पानी वेस्ट हो जाता है। इसमें क्या हो रहा है कि पानी उतना वेस्ट नहीं हो रहा है, बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट में पानी चाहिए, 80% तक लेस वाटर इसमें यूज हो रहा है। उसके आगे क्या है, द वाटर इज रिसाइकल्ड एंड सेव्ड। जैसा कि आपने देखा एक्वापोनिक्स में हम लोग ने क्या किया, पानी को रिसाइकल किया, फिर से एक्वा कल्चर के लिए यूज किया, उसके अंदर जो भी था फिश का यूरिन वगैरह वो सब सॉइल में डाल दिया हम लोग। कितना ये आप देखिए, फिर से पानी रिसाइकल हो रहा है। इट इज़ पेस्टिसाइड फ्री एंड इन केस ऑफ हाई टेक फार्म देर इज नो रियल डिपेंडेंसी ऑन द वेदर। अब देखिए सही बोला गया, ये जो है आप देखिए पेस्टिसाइड फ्री है, क्यों? क्योंकि इसमें सॉइल वगैरह है ही नहीं, तो पेस्ट कहाँ से आएंगे, मतलब वैसा कुछ बनता ही नहीं। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से होता है, जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है वही न्यूट्रिएंट्स हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग का पेस्ट डिजीज का उतना प्रॉब्लम है नहीं। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी आप देखेंगे कि अगर ये सब्जी है तो यही वेदर में मिलेगा, ठीक है। हम लोग आप देखेंगे जो पोली हाउस वगैरह में हम लोग ऐसा कंडीशन तैयार कर लेते हैं जिससे सारे सीजन में सब्जी मिलता है, सेम यहाँ भी है। अगर कोई बहुत बड़ा टेक फॉर्म है जो लार्ज स्केल पर वर्टिकल फार्मिंग कर रहा है, तो अगर आप देखिए सनलाइट वगैरह भी है, LED वगैरह से वो जो आता है वो प्रोवाइड कर लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स सारा आप देखे होंगे लिक्विड फॉर्म में अब मार्केट में अवेलेबल है, जो भी आपको न्यूट्रिएंट चाहिए सब कुछ अवेलेबल है, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर सल्फेट, जो भी चाहिए आपको सारा न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, वो भी मिल जा रहा है। तो उसको वेदर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा कि अगर बारिश नहीं आई तो हमारा क्रॉप ख़राब हो जाएगा, सर्दी पड़ गई तो हमारा क्रॉप ख़राब हो जाएगा, फॉग ज़्यादा हो गया, स्मोक ज़्यादा हो गया, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपना एक अलग फार्मिंग जो है वो चलता रहेगा, इसमें इसका एडवांटेज है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखिए एक वर्टिकल फार्मिंग है, आप सोच सकते हैं अगर आप एक शहर में हैं, आप एक हाईटेक शहर में रह रहे हैं, बहुत ही एडवांस शहर है, वहाँ पे ज़मीन बचा नहीं है, बिल्डिंग ही बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है, तो क्या होता है कि सब्जी वगैरह कहाँ से आता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स नियर बाय मतलब आउटसाइड एरिया से, जो आसपास के गाँव हैं वहाँ से, या फिर दूसरे जगह से ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें क्या होगा वर्टिकल फार्मिंग में, एक ही शहर में आप सोचो बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, अलग अलग जगह है, वहाँ पर वर्टिकल फार्मिंग हो रहा है, ज़्यादा सॉइल का रिक्वायरमेंट है नहीं, तो एक ही शहर में आपको तुरंत मिल जा रहा है। अब एक ही शहर में मिलने का फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा क्या हो जाएगा, देखिए जब फार्म नियर बाय होगा तुरंत, अगर मान लीजिए अभी क्या होता है कि अगर एक जगह से सब्जी या क्रॉप कुछ भी आप मंगवा रहे हैं तो क्या होता है, अगर एक गांव है या आउटस्कर्ट है शहर के, तो वहाँ से सब्जी लाया जा रहा है तो वो कितना टाइम के बाद यहाँ लाया जाएगा, तो मतलब सोच रहे हैं ना, थोड़ा तुरंत फ्रेशली नहीं मिल पाएगा। यहाँ क्या होगा, तुरंत आपके पास डिलीवर हो जाएगा, क्योंकि आप जिस सिटी में हैं जिस एरिया में वहीं पे वर्टिकल फार्मिंग हो रहा है, तुरंत आपको चाहिए, तुरंत आपको फ्रेशली डिलीवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटेड आइटम नहीं मिलेगा। रेफ्रिजरेटेड आइटम क्या हो गया, जैसे कुछ कुछ सब्जियाँ होती है ख़राब ना हो जाए उसके लिए उसको फ्रिज में रखते हैं, या फिर अगर कुछ सब्जियाँ जो होती है बहुत ज़्यादा पेरिसेबल होती है मतलब जल्दी सड़ जाता है तो उसको केमिकल लगाया जाता है कि वो जल्दी सड़े ना, तो ये सब कुछ होगा ही नहीं, आप पूरा फ्रेशली खाना खाएंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, प्योर खाना खाएंगे, ऐसा होगा।
उसके बाद क्या होगा, आप खुद सोचिए, अगर यहाँ का आप सुपरमार्केट गए और सुपरमार्केट में आपको फ्रेशली वेजिटेबल्स फ्रूट्स सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे आपको पता होगा सुपरमार्केट्स में ऐसा तो ही नहीं कि सुपरमार्केट्स खुद प्रोड्यूस करता है, आसपास के किसान जो होते हैं वो लाते हैं वहाँ पे देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा आसपास ही जो फार्म है आपके, वर्टिकल फार्मिंग है, आप खुद सोचना, अगर मान लीजिए सुपरमार्केट है उसका रूफटॉप खाली है, उसी पे क्या पता वर्टिकल फार्मिंग हो जाए, कोई एरिया खाली है वहाँ पे वर्टिकल फार्मिंग हो जाए, आसपास ही जितना ज़्यादा आप इसको क्या बोलते हैं इनकरेज करेंगे वर्टिकल फार्मिंग के लिए, आसपास लोग उतना करेंगे, तो ये फ्रेश फार्मिंग, आप हर जगह आपको फ्रेश खाना मिलेगा। उसके बाद क्या होगा ट्रांसपोर्टेशन में आपको पता है बहुत ज़्यादा स्पॉयलेज होता है ट्रांसपोर्टेशन में, वो सब भी आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सब तो सारा इसका एडवांटेज है वर्टिकल फार्मिंग का। तो ठीक है बोले सही है सब कुछ अभी तक अच्छा जा रहा है, तो इसमें डिसएडवांटेज क्या है, देखिए इसमें क्या इसका ड्रॉबैक जो है वो मेनली है कि आपको खुद सब कुछ तैयार करना पड़ेगा, मतलब आप एक खुद इन्वायरमेंट तैयार करें एक प्लांट का ग्रोथ के लिए, क्योंकि आप नेचुरल जो तरीके से वो फार्मिंग नहीं कर रहे हैं। नेचुरल में क्या होता है आपको एयर सनलाइट वाटर सब, आप अगर ओपन फील्ड में करें तो सब कुछ आपको मिल रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको खुद से सब कुछ तैयार करना है, तो इसलिए क्या होता है इसका कॉस्ट है बहुत ज़्यादा, स्टार्टिंग में जो कैपिटल आपको बहुत ज़्यादा लग जाता है, और आपको पता है इंडिया में हमारे फार्मर जो है वो इतना नहीं कर सकते हैं, अगर अर्बन एरिया में भी देखा जाए, चलिए अगर इंडियन फार्मर्स अगर रूरल एरियाज में नहीं करते हैं तो अर्बन एरियाज में भी हर कोई इतना सेटअप कर नहीं सकता है, सबसे बड़ा इसका बात है। उसके बाद क्या है आप जो तैयार कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आपको ज़्यादा लार्ज लेवल पे स्टार्ट करना है आपको वर्टिकल फार्मिंग, तो आपको खुद का क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम लेना पड़ेगा, उसके बाद एलईडी लाइटिंग सिस्टम होगा आपको उस पर मॉनिटर कर सकें, उसके लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वगैरह, उसके बाद हमेशा आपको नज़र रखना पड़ेगा, मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा, तो देखा जाए इन सब चीज़ों में कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है अभी के लिए, तो है तो एक बेनिफिशियल, ये बहुत ही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का बहुत ही अच्छा तरीका है, अगर फ्यूचर में देखा जाए तो इसे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि देखिए आने वाला टाइम में ये तो श्योर है कि जितना अभी करंट में जितना हम लोग उपजा रहे हैं, जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है और जिस गति से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हम लोग जो पॉपुलेशन का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए जो वर्टिकल फार्मिंग है एक अच्छा तरीका देखा जा रहा है, एक फ्यूचर देखा जा रहा है एग्रीकल्चर का जो रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे जो इंडियन गवर्नमेंट है, यहाँ इंडिया का स्टांस यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे एक देखिए दैनिक आपका कृषि जागरण का पोस्ट है, हाइड्रोपोनिक्स ए ह्यूज लीप टुवार्ड्स प्रैक्टिकल इकोनॉमिकल एंड सस्टेनेबल फार्मिंग। तो देखिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट है कंपेयर टू जो अदर कंट्रीज जैसे जापान हो गया, इसराइल हो गया, यूएसए हो गया, यूके हो गया, मतलब ये सब जो कंट्री हैं उनसे तो बहुत पीछे हैं, लेकिन इनिशिएटिव यहाँ भी लिया जा रहा है, बड़े बड़े कंपनीज हैं स्टार्टअप हैं कुछ कुछ जो इसमें बहुत आगे बढ़ रहे हैं और लार्ज स्केल पे इसको करने का कोशिश कर रहे हैं, और इंडिया में है इसको इफेक्टिवली अप्लाई कर रहे हैं, हमारे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो भी लगातार अलग अलग कंट्री के साथ MOU साइन कर रही है, जिसके थ्रू हम लोग नए नए इनोवेटिव तरीके एग्रीकल्चर में अपने इंडिया में ला सकें और इसको अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों ये बहुत ही देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चर का, और इसको जो है अच्छे से इम्प्लाई करना अगर हमारी गवर्नमेंट करती है, तो आने वाला टाइम में हम लोग जो फूड शॉर्टेज होता है या आने वाले टाइम में जो भी कभी होगा तो हम लोग इसको फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।